क्या सच में मुगल सम्राट शाहजहां का संबंध था अपनी ही बेटी जहां आरा के साथ? क्या उसके नाजायज ताल्लुकात थे अपनी ही लाडली बेटी के साथ? इन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुगलिया साम्राज्य के सबसे ताकतवर महिला जहां आरा बेगम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 को हुआ था। जहां आरा ताउम्र कुमारी रही थी। जहां आरा पिता शाहजहां की अत्यधिक प्रिय थी। अगर इतिहासकार बर्नियर की माने तो शाहजहां को अपनी ही बेटी से प्रेम हो गया था। बर्नियर के अनुसार शाहजहां का अपनी बेटी जहांआरा के साथ नाजायज संबंध थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। वहीं अगर इतिहासकार मनुची की बात करे तो वह इतिहासकार बर्नियर की बातों को पूरी तरह से खंडन करते हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन तरह तरह के उठते सवालों को कौन जवाब देगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुगलिया साम्राज्य की सबसे अधिक ताकतवर एवं गजब की सुंदर महिला जहां आरा बेगम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एक दिलचस्प जानकारी जहां आरा बेगम के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, जहां आरा सम्राट शाहजहां एवं मुमताज महल की लाडली बेटी थी। जहां आरा अपनी सुंदरता के साथ ही वह बेहद चतुर एवं चालाक भी थी। जहां आरा जब 17 साल की थी तभी उनकी मां मुमताज महल का इंतकाल हो गया। मां की मृत्यु के बाद जहां आरा को शाहजहां ने पादशाह बेगम का खिताब दिया था, जो कि उस समय में मुगलिया साम्राज्य में सबसे बड़ी ओहदा हुआ करती थी महिलाओं के लिए। मुमताज महल की मृत्यु के बाद जहां आरा बेगम अपने भाई बहन के साथ साथ अपने पिता की भी देखभाल करने लगी थी। 1644 ईस्वी में जहां आरा बेगम के साथ एक दुर्घटना हो गई थी। उसके शरीर में आग लग गई थी जिससे वह पूरी तरह से जल गई थी। शाहजहां के शासनकाल में जहां आरा बेगम का रुतबा काफ़ी अधिक था। शासन से संबंधित अधिकांश फैसला उसी के मशविरा से लिए जाते थे। जब मुगलिया साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुआ था तो जहां आरा बेगम ने अपने भाई दारा शिकोह का साथ दिया था। जब औरंगजेब सम्राट बना तो उसने शाहजहां को बंदी बना लिया था। जहां आरा ने अपने पिता शाहजहां के साथ ही कैद में रहने की ख्वाहिश की थी। कालांतर में जहां आरा ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर औरंगजेब से भी अच्छी खासी संबंध बना ली थी। मुगलिया साम्राज्य में जहां आरा बेगम की गिनती सबसे अधिक सुसंस्कृत महिला में हुआ करती थी। उस जमाने में जहां आरा बेगम की आमदनी 30 लाख रुपए सालाना थी। जहां आरा बेगम उम्र भर कुमारी रही थी। इसके पीछे यह कारण था कि उस जमाने में जहां आरा को अपने समान कोई पुरुष नहीं मिला जिससे वह शादी कर सकती थी। जहां आरा ने औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का साथ दिया था, बावजूद इसके औरंगजेब ने जहां आरा को पादशाह बेगम का खिताब दिया, इसके साथ ही भरपूर मान सम्मान भी दिया था। जहां आरा बेगम को औरंगजेब ने रहने के लिए एक सुंदर हवेली महल दिया था जिसमें वो निवास करती थी, और शासन के बागडोर में भी जहां आरा बेगम का काफ़ी प्रभुत्व था। जहां आरा बेगम का निधन 67 साल की उम्र में 1681 ईस्वी में हो गई थी। इस तरह एक बेहद ही खूबसूरत एवं बुद्धिमान महिला का अंत हुआ जो मुगलिया साम्राज्य में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंची थी। और अगर बात करें शाहजहां और जहां आरा बेगम के गलत नाजायज ताल्लुकात के बारे में तो इतिहासकारों के बीच में भिन्न भिन्न मते हैं। जैसे बर्नियर कहता है, बर्नियर के अनुसार शाहजहां के गलत संबंध थे
किंतु वहीं मनुची उस बात को पूरी तरह से खंडन करते हैं। इसमें सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर है कि जहां आरा बेगम का मुगलिया साम्राज्य में काफ़ी मान सम्मान था, वह गजब की खूबसूरत और बेहद ही चतुर चालाक थी। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही वह मुगलिया साम्राज्य में सबसे ऊंचे पौधे बादशाह बेगम तक पहुंचे थे। 67 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।